मल्टीमीटर की सहायता से डायोड, कैपेसिटर, रिले, अन्य तरह के रेजिस्टेंस, लाइट और एलईडी लाइट को चेक करेंगे। सबसे पहले हमें डायोड को चेक करने के लिए अपना जो सेलेक्टर है इसको कंटिन्यूटी और डायोड के सिंबल पर लाना पड़ेगा। फिर हमारे जो दो टर्मिनल हैं इनको डायोड के दो टर्मिनल पर लगाना है। इन दो टर्मिनल को लगाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ रेजिस्टिव वैल्यू मल्टीमीटर में शो हो रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जब हम इस टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे ये एक ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये डायोड ठीक है, एक तरफ से तो ये पावर सप्लाई कंडक्ट कर सकता है और दूसरी तरफ से इसको ब्लॉक करके रखेगा। उसी तरह कुछ अन्य डायोड हमारे पास हैं, इनको भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसके एक टर्मिनल में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव जब लगाएंगे तो कुछ रेजिस्टिव वैल्यू हमें शो करेगा, लेकिन जब हम इस टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये डायोड ठीक है। ऐसे ही आप अन्य डायोड को चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो है ये कैपेसिटर है, इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल के साथ नेगेटिव का सिंबल है तो ये नेगेटिव है, अन्य दूसरा वाला पॉजिटिव है। इसको चेक करने के लिए हमें नेगेटिव के साथ नेगेटिव जब भी हम लगाएंगे तो आप देखेंगे मल्टीमीटर शुरू में कुछ वैल्यू शो करेगा। फिर इसके बाद ये वन ओपन शो करेगा, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। लेकिन जब भी हम इस टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद फिर से ये ओपन हो जाता है, मतलब फिर से ये डिस्चार्ज हो चुका है। उसी तरह अन्य बड़े कैपेसिटर हमारे पास हैं, इनको चेक करने के लिए हम इधर मल्टीमीटर में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा कैपेसिटर होने की वजह से चार्ज होने में काफ़ी टाइम लेता है, तो आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर ठीक है। मल्टीमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर का पॉइंटर को हमें रेजिस्टेंस में डालना पड़ेगा। मल्टीमीटर के पॉइंटर को हमने रेजिस्टेंस में डाल दिया। इसके बाद रेजिस्टेंस को इस तरीके से मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल से लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये 16 ओम का रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कर रखा है। अभी इसका वैल्यू चेक करने के लिए सेम हम उसी प्रकार दोनों टर्मिनल में लगाएंगे। तो ये अभी 1 दिखा रहा है, इसको आगे बढ़ाने के बाद फिर से दोबारा हम चेक करेंगे, फिर से ज़्यादा दिखा रहा है, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मल्टीमीटर इस रेजिस्टेंस के रेंज में आ गया है और ये वैल्यू शो करने लगा। अभी जो है ये 2.8 यहाँ पर के लिखा है, मतलब किलो ओम शो कर रहा है। फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे और दोबारा से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2.9 किलो ओम शो कर रहा है। तो इस प्रकार हम एक अन्य दूसरे बड़े रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 0.7 है, तो हमें दोबारा से इसको वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं 0.66 दिखा रहा है। फिर से इसको कम करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी 664 ओम दिखा रहा है। तो टोटल इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 664 ओम है। अन्य वैल्यू के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का पॉइंटर को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि ज़्यादा ओम का है तो आगे की तरफ बढ़ा के आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो ये है 44
44 के आगे के लिखा हुआ है तो ये 44 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार हम इस लाइट बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस बता के ये लाइट अच्छा है या ख़राब है ये हम पता कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो माध्यम हैं, या तो हम रेजिस्टेंस चेक कर लें या तो इसका कंटिन्यूटी में लगा के चेक कर लें। बात बराबर है तो हम आइए कंटिन्यूटी में डाल देते हैं, फिर इनके दो जो इंड हैं उस पर मल्टीमीटर के प्रोब लगाते हैं तो आप देखेंगे कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू शो करेगा और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बता रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो फिलामेंट है वो ठीक है। ऐसे ही आगे यदि हमें एलईडी बल्ब चेक करना है तो उसके लिए हमें माइनस और प्लस का ध्यान रखना ज़रूरी है, और यदि हमें पता नहीं है तो वो भी हम मल्टीमीटर के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसी एक टर्मिनल पर यदि हम एक प्रोब को लगाते हैं और दूसरे को दूसरे पर लगाते हैं तो आप देखेंगे ये लाइट जल चुका है और हमें ये पता चल गया कि ये एलईडी ठीक है। लेकिन जब भी हम इसको बदल के लगाना चाहेंगे तो आप देखेंगे ये लाइट नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये एलईडी डायोड है, तो एक तरफ से तो ये कंडक्ट होता है, दूसरी तरफ से नहीं होता है। अन्य दूसरे एलईडी लाइट को भी हम इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। हम एक तरफ से लगाएंगे तो लाइट जलेगा और जब दूसरी तरफ से लगाएंगे तो ये कंडक्ट नहीं होगा और लाइट नहीं जलेगा। एक तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एक रिले है, इसको चेक करने की विधि क्या है कि सबसे पहले जो इनपुट सप्लाई है उसका रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी हम इनपुट सप्लाई में इसको लगाएंगे तो एक रेजिस्टिव वैल्यू शो होगा। इसका मतलब इसका कॉइल ठीक है और इस कॉइल में सप्लाई देने के बाद ये अलग अलग कनेक्शन बनाता है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल क्लोज कनेक्टर को चेक करते हैं कि इनमें नॉर्मल क्लोज कौन सा है। तो इसके लिए जो कॉमन है उसमें एक और दूसरे में दूसरा लगाने के बाद ये मतलब देख सकते हैं कि ये शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल क्लोज है। जब हम इन टर्मिनल में सप्लाई देंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले में क्लोज बनाएगा जबकि अभी सप्लाई नहीं है, तो ये ओपन दिखा रहा है और ये क्लोज दिखा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप मल्टीमीटर के प्रयोग से अपने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आसानी से चेक कर सकते हो और अपने ख़राब हुए किसी भी इक्विपमेंट को ठीक कर सकते हैं। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।